बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने क्या कहा है रिजल्ट को लेकर, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कितने तारीख को कितने बजे जारी होगा और मैट्रिक का रिजल्ट कितने तारीख को कितने बजे जारी होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं लाइव प्रूफ इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको बताते हैं, आपको बता दूं मैं कि बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का जो कॉपी है पूरा जांच हो चुका है, समाप्त हो चुका है जांच, और रिजल्ट कितने तारीख को जारी होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 24 तारीख को जो है आप लोगों का रिजल्ट इंटरमीडिएट वाला जारी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, 24 तारीख को आपका रिजल्ट जारी होगा 10 बजे। इससे जुड़ी जानकारी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाता हूँ और लेके चलता हूँ लाइव प्रूफ, क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आया हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। बम्पर ऑफर निकल कर आया हुआ है आप सभी छात्रों के लिए। आप लोगों ने बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी छात्रों ने कहा था कि सर एक सेकंड चैनल खोल दीजिए जिसके अनुसार आप हम ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के दोनों छात्रों ने मुझसे कहा था, बिहार बोर्ड का टीचर रखा गया है आप लोगों के लिए पर्सनली। उस सेकेंड चैनल का नेम है स्ट्रगल स्टडी अकेडमी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा स्ट्रगल स्टडी एकेडमी लिखा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रगल स्टडी एकेडमी यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका देख सकते हैं, यहाँ पर इस चैनल का लोगो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 524 वीडियो डाल दिया गया है और यहाँ पर इस चैनल का लोगो है, देख सकते हैं SS एकेडमी। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड का टीचर इस पर अवेलेबल है, आप लोगों के लिए प्रतिदिन तैयारियाँ कराई जा रही है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं इस पर आकर पूरा तैयारी कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के सभी छात्र, सभी लोगों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिहार बोर्ड का अलग से सिर्फ आप लोगों के लिए टीचर रखा गया है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी भी आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ। इससे में देख सकते हैं, आप लोगों को बता दिया जाए कि चाहे मैथ के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश के भी तैयारी कर सकते हैं इस पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियो डाला जा रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी छात्र। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव प्रूफ, यहाँ पर सब प्रतिदिन अपडेट किया जा रहा है, वीडियो प्रतिदिन यहाँ पर काम किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए, सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह इस पर तैयारी कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस चैनल को, इससे ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो डाला जाएगा इस पर प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों को। बिहार बोर्ड की तरफ से, BSB बिहार बोर्ड की तरफ से रिजल्ट 2021 का लाइव अपडेट, रिजल्ट कैसे चेक करना है ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, बिहार बोर्ड BSB 10th 12th रिजल्ट 2021 लाइव अपडेट। बिहार बोर्ड ने जारी किया वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर की। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बताया जाएगा कि जानिए कब जारी होगा बिहार बोर्ड इंटर में और मैट्रिक का रिजल्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग रिजल्ट अपना चेक भी कर सकते हैं। चलिए आपको बताता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ रिजल्ट कैसे चेक करना है। दोस्तों करीब, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, करीब 13,50,000 छात्र छात्राओं ने दिए थे परीक्षा। इस बार बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए करीब 13,50,000 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न केंद्रों पर देख सकते हैं 1 से 13 फरवरी को कराया गया था। कॉपियों के मूल्यांकन के बाद अब रिजल्ट की बारी है। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि 22 मार्च के पहले पहले आप लोग करवा सकते हैं आपत्ति। जैसे कि आप लोगों को बता दूं मैं कि आंसर की के देखने के बाद को यदि किसी भी प्रश्न का जवाब या प्रश्न गलत लगता है तो वह छात्र आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रखें, आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि है जो 22 मार्च है। सभी छात्र ध्यान से सुन लीजिए। अब चलिए यहाँ पर जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है रिकॉर्ड देखिए रिकॉर्ड टूटने वाला है। आप लोगों को बता दूं मैं कि बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बिहार बोर्ड का मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट को लेकर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड, 40 दिनों में रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। 40 दिनों के अंदर यानी 1 फरवरी से लेकर 40 दिन आप जोड़ लीजिए, 40 दिन के अंदर में आप लोगों का जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा। ये सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया हुआ है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी भी जान लेते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, बता दें कि बीते साल 2020 में परीक्षा 13 फरवरी को ख़त्म हुआ था और रिजल्ट 24 मार्च को जारी किया गया था। वहीं कोरोना संकट के बाद भी रिकॉर्ड जो है 40 दिनों में रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया था।
हाँ पर बता दूं मैं सभी छात्रों को कि रिकॉर्ड 40 दिनों में टूटने वाला है। सभी छात्रों के लिए समय में रिजल्ट घोषित करने की तैयारियां बिहार बोर्ड द्वारा। रिजल्ट संबंधित जानकारी आधिकारिक ट्विटर हैंडल ऑफिशियल यहां पर देख सकते हैं दी जाएगी। यहां पर ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। यहां पर आप लोगों को बता दूं मैं कि 1 फरवरी से 13 फरवरी तक के बीच इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2021 की परीक्षा घोषित हुई थी। इस बार बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित इंटर की परीक्षा में करीब 13,84,000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अब यहाँ देखें अपना रिजल्ट। देखिए इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले वेबसाइट है bihar.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है bihar.online। ठीक है, उसके बाद bihar.online.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तीनों वेबसाइट के माध्यम से आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट का देख सकते हैं ऑफिशियल, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक ये है, आप नोट कर लीजिए सभी छात्र। अब देखिए आप लोगों को रिजल्ट कैसे चेक करना है बता देता हूँ। बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी को इस वेबसाइट के माध्यम से मालूम चल जाएगा। देख सकते हैं ऑनलाइन रिजल्ट अपना। ठीक है, बढ़ाई गई है मूल्यांकन की डेडलाइन। देखिए दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 12वीं का जो कॉपी का जाँच जो 15 मार्च था, फिर 17 मार्च कर दिया गया, और उसके बाद अब कर दिया गया था 19 मार्च। 19 मार्च को जो है कॉपी का जाँच आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब इसका आप लोगों को कोई भी डेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिजल्ट आप लोगों का 24 मार्च को जो है, जी हाँ दोस्तों, सुबह 10 बजे जारी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परिणाम 2021 कैसे चेक करना है। जो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट के माध्यम से आप लोग रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बताते हैं यहाँ पर कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो छात्र जो बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे उन्हें सलाह दी जाती है कि परिणामों पर नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर कड़ी निगरानी रखें। ठीक है सभी छात्र, अब देखिए आप लोगों को सभी छात्रों को बताना चाहूँगा, जितने भी छात्र हैं जो 10वीं के बीएसबी कक्षा 10वीं के उत्तर कुंजी 2021 के खिलाफ आपत्ति कैसे उठाएं। आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोगों को जाना होगा। मैट्रिक परीक्षा, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं ध्यान से देख लीजिए, मैट्रिक परीक्षा 2021 के उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक पर उसके बाद आप लोगों का ये लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मांगी गई डिटेल आप लोगों को भरना होगा, सभी डिटेल। यहाँ पर जैसे लिंक पर एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर बताएगा मैट्रिक परीक्षा 2021 उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्ति दर्ज करने के लिए क्लिक करना होगा। उसके बाद मांगी गई जो डिटेल है वो आपको भरना होगा। बीएसबी ने राज्य के 1525 परीक्षा केंद्रों पर 17 से 24 मार्च तक मैट्रिक, देख सकते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आयोजित की। कुल मिलाकर 16,84,000 जो उम्मीदवार, जिनमें 8,37,803 लड़कियां और 8,046,663 लड़के शामिल थे, उन्होंने इस साल परीक्षा देने के लिए पंजीकरण कराया था। ठीक है, ये सभी छात्र ध्यान रखें। टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन है, कॉपियों की चेकिंग के बाद कला विज्ञान और वाणिज्य के टॉपर्स की कॉपियों का और टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, जिसके बाद मेरिट भी तैयार होगी। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, टॉपर्स आएंगे उनका वेरिफिकेशन भी होगा और उनका मेरिट भी तैयार किया जाएगा, कि मतलब पता किया जाएगा, चेक किया जाएगा। देखिए बिहार बोर्ड ने जारी किया वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर की। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से बीएसबी ने आज यानी शनिवार 20 तारीख मार्च कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड का जो है आंसर की जारी कर दिया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर की बिहार बोर्ड की तरफ से आप लोग वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आप लोगों को वेबसाइट, यहाँ पर ये वेबसाइट आप लोगों को दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पर आप लोग आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। देखिए इस वेबसाइट पर bihar.online.bihar.gov.in, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाइए, आप लोग नोट कर लीजिए वेबसाइट। अब देखिए कब आएगा इंटर मैट्रिक का रिजल्ट। देखिए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसी महीने में अंतिम सप्ताह में आप लोगों का इंटरमीडिएट का मैट्रिक वालों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि थंबनेल पर 7 अप्रैल देख रहा हूँ आप लोगों को, 7 अप्रैल से पहले पहले मैट्रिक का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा और इंटरमीडिएट का जो है 24 अप्रैल को जारी किया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल जो है आप लोगों का नंबर भी इसमें शामिल होगा। सभी छात्र ध्यान से सुन लीजिए, ये कॉलेज वालों को निर्देश दे दिया गया है, प्रैक्टिकल का जो नंबर है उसमें आप लोगों का जो है सारा कुछ मिलाकर आप लोगों का रिजल्ट जो है आएगा। सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स को वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और जैसे कि चैनल पर न्यूज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाले पल पल के अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यदि अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए सभी छात्र। पल पल के अपडेट जो है ग्रुप में डाला जाता है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।